जांजगीर जिले के सर्किट हाउस में आज जिला कांग्रेस कमेटी जांजगीर अनुसूचित जाति विभाग के द्वारा अति आवश्यक बैठक रखी गई। इस बैठक में मुख्य अतिथि अर्जुन तिवारी, महामंत्री छग प्रदेश कांग्रेस कमेटी व जिला कांग्रेस कमेटी के संगठन प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से अनुसूचित जाति वर्ग का हितेशी है और हमेशा रहेगी। इस बैठक में कार्यकर्ताओं के द्वारा बताए गए बातों को गंभीरता से सुना गया और उस पर जल्द अमल करने की बात कही अतिथियों द्वारा कहा गया। और इस बार चुनाव के विधानसभा के पूरे 6 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी, ऐसा अर्जुन तिवारी ने मीडिया से कहा। इस कार्यक्रम में विशेष रूप कांग्रेस जिला अध्यक्ष चौलेश्वर चंद्रकार, अनुसूचित जाति के प्रदेश संयोजक सरोज सारथी, गौरेलाल वर्मन, रवि भारद्वाज, अजय दिव्य नैन अजलेगल, जिला अध्यक्ष गजानन जागेड़, राइस किंग खूटे घासी राम, नीरज खूटे सहित उपरोक्त बैठक में प्रदेश के अनुसूचित जाति विभाग के पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी एवं सभी ब्लॉक व नगर कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्षगण, कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पूरे छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा क्षेत्रों में से जांजगीर अकेला एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस जिले के अंतर्गत 6 विधानसभा हैं और 6 विधानसभा में बहुत बड़ी संख्या में निर्णायक भूमिका में अनुसूचित जाति के लोगों की उपस्थिति है। लंबे समय से इस जिले के अधिकांश विधानसभा में हम चुनाव हारते आए हैं और इसका प्रमुख कारण जो समझ में आया वो ये है कि अनुसूचित जाति वर्ग का झुकाव कांग्रेस के प्रति पूरी तरह इतना होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। इन बातों को समीक्षा करने के लिए, विचार करने के लिए कि क्या ऐसे कारण हैं, क्या ऐसी बातें हैं जिसके चलते अनुसूचित जाति वर्ग का आशीर्वाद और समर्थन कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं मिल पा रहा है, इन तमाम मुद्दों को बात करने के लिए अनुसूचित जाति विभाग के माध्यम से जिले के जो प्रमुख सतनामी समाज के नेता हैं, अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं, उन सब के बीच हम लोगों ने आज बैठा, काफ़ी लंबी बातें हुई और सार जो निकल के आया है उस सार पे हम लोग अपने प्रदेश के बड़े नेताओं को, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे और आने वाले समय में 2023 में मिशन 6 का 6 इस जिले से हम 6 विधानसभा चुनाव जीतेंगे और निश्चित तौर पर अनुसूचित जाति वर्ग का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिलेगा।